लूट का आरोपी पुलिस ने किया गिरफ्तार। डिलारी थाना क्षेत्र के गांव जियाउद्दीनपुर में ताला तोड़कर घर में रखा सामान लेकर चोर फरार हो गए। बताते चलें कि बबीता चौहान काफी समय से अकेली अपने मायके जियाउद्दीनपुर में रह रही थी। बबीता कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पर चली गई थी। जब वह घर वापस आई तो देखा कि उसके घर के मेन दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। जैसे ही घर में गई, घर में रखा सामान गायब था। बबीता ने थाना डिलारी पुलिस को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पड़ोस में ही रहने वाले सुमित पुत्र श्रीपाल से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने 2 सिलेंडर, 1 सिलाई, बैटरा, 2 कट्टे, सरसों पुलिस ने बरामद कर लिए। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम बबीता चौहान। क्या घटना घटी आपके यहाँ? मैं यात्रा पर गई हुई थी दक्षिण भारत में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अपने मामा जी के साथ। 1 महीने की यात्रा थी। जब मैं घर वापस आई, 20 दिसंबर को मैं यहाँ से गई थी और 19 जनवरी 2020 को जब मैं घर वापस आई तो मुझे घर का मेन गेट का ताला टूटा मिला। और जैसे ही मैं घर के अंदर प्रवेश किया तो मेरी सिलाई मशीन बरामदे में इधर उधर पड़ी मिली। मतलब उसका जो कवर था, कवर मिला, उसके अंदर की मशीन जो थी वो गायब थी। फिर मैं अपने एक स्टोर को देखा खोल के, जिसमें मेरा खाने पीने का सब सामान था। गैस के 2 सिलेंडर थे, एक भरा हुआ लगा कर गई थी, एक खाली रखा हुआ था, और एक मेरी सूर्य लाइट का बड़ा बैटरा था, और मेरी 2 क्विंटल लाई रखी हुई थी, 4 कट्टे मेरे फुल भरे हुए थे, मुँह तक 1 आधा कट्टा था, और 2 सिलेंडर थे, सिलाई मशीन थी। ये मेरा सामान यहाँ से गायब था।